good morning all welcome to learners academy so this was the last part which we were doing homogeneous differential equations and up to question number seven we have covered today we are up to start with question number eight okay let's start this so 1 to 10 ke instructions were very clear slow down the fan the instructions were to find the solution जनरल सोल्यूशन डिफरेंट उसको सॉल्व करना है, है तीन क्वेश्चन और बचते हैं इस कैटेगरी के जनरलो इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है तो ये तीन और ये पांच आठ एंड एमसी क्यूज है छोटे छोटे से so, स्ट्रेट अवे वाच कुछ स्टेप्स नहीं करेंगे दो तीन बार हमने कर लिया तो स्ट्रेट अवे कंटिन्यू द तो वी लेफ्ट हेयर सो आइसोलेट डीवाई बाई डी एक्स स्ट्रेट अवे डीवाई बाई डी एक्स को देखो एक ही स्टेप में आइसोलेट करना सीखो तो डीवाई बाई डी एक्स के अलावा जो टर्म्स हैं उनको नेगेटिव करके उधर भेजो तो माइनस वाई बिकम्स वाई एंड माइनस एक्स साइन वाई बायस ये चीज हमने कल लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करी था सेवंथ वन कि बाकी एक से लेके छह क्वेश्चंस में हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि डीवाई बाई डी एक्स में भी हम चेंज कर सकते हैं और जो दूसरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक् बाई डी वाई उसमें भी चेंज कर सकते थे क्योंकि जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समिंग वाली इक्वेशन बनी है जैसे अभी ये भी बनी है तो इसका रसी प्रोकल करते हैं तो डीएक्स बाई डी वाई बट सेवंथ में भी ऐसा ऑप्शन नहीं है एट्थ में भी नहीं है नाइन्थ में भी नहीं है और टेंथ में भी नहीं है इन चार में नहीं है क्यों क्योंकि इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक एंगल लिखा हुआ वाई बाय एक्स

ये x इधर आ गया तो ये x जब इधर आया तो ये तो कट गया तो इट इज क्लियरली अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स सब्सटीट्यूट वी बाय वाई बाई एक्स जैसे हम कर रहे थे कल लेट वी बी वाई बाय एक्स तो v को y बाय एक्स मानते ही डिफ्रेंसिएशन uh, करने के बाद क्या बनती है एल पार्ट हमेशा v प्लस एक्स डी वी बाय और आर पार्ट में आप

राइट कॉसेक डीवी हो गया हम्म hmm? hmm. और इधर माइनस इंटीग्रल डीएक्स बाय एक्स अब एक ही स्टेप में कर डालो दोनों so, का इंटीग्रेशन सो कॉसेक वी का इंटीग्रल क्या बनेगा बोलो का इंटीग्रल so, क्या बनेगा मॉडुलस कॉसेक्वी माइनस V. और इधर आ जाओ इधर माइनस लॉक मॉड्यूलस एक्स एंडलीस सी अब इतना करने के बाद क्या करूंगा माइनस लॉक सी को इधर लाओ तो लॉक से लॉक गया लॉक से लॉक मर्ज हो गया प्लस करें यहाँ पे सो कॉशेक वी यानी कि कॉशेक वाई बाय एक्स हो गया है राइट माइनस कॉटवी यानी कॉट वाई बाई एक्स हो गई है राइट right? और ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाना है प्लस हो जाना है तो मल्टीप्लाई हो जाना है इनटू एक्स ठीक है मॉडुलस क्लोज्ड एंड ऑन द राइट साइड आई हैव लॉग मॉडुलस c टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स सो लॉग से लॉग एक तरीके से काट दिया मारो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो आंसर जो मेरे पास आया वो इसी फॉर्म में आएगा cosec y x चेक करो minus cot y x ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हुआ है या उधर हुआ है चेक कर लो बस इधर ही मल्टीप्लाइड है मल्टीप्लाइड बाय हाँ। ओके सो साइन की फॉर्म में है तो फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा वन माइनस

अब में दो डीवाई की टर्म्स दिख रही हैं, दिख मैं ठीक है तो देखो एक ही सो कर क्या so, करूंगा मैं डीएक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर लिख दो सीधे और नेगेटिव करके लिखो तो वाई का क्या हो गया माइनस वाई माइनस वाई और अब डीवाई से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे एज इट इज विदाउट माइनस करें तो विदाउट माइनस कर एक्स डिवाइडिंग हाँ एक्स से डिवाइड कर so, hmm? oh, करो एक्स से डिवाइड करके और फिर इस माइनस का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो क्या माइनस है तो नीचे वाले फ्लिप हो जाएंगे नीचे नीचे वाले से नीचे वालों को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो एक्स एक्स चलो देखते हैं सो इट इज लाइक पॉजिटिव आई बना दूं ऊपर माइनस टू एक्स गया इधर भी एक्स एक्स गया माइनस टू बचा माइनस टू का प्लस टू माइनस लॉग ऑफ वाई बाय माइनस हटाना जरूरी नहीं है सॉल्व कर लो भले चाहे से बट इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल के अंदर फिर वो माइनस से डील करना पड़ेगा आपको योर विश ऊपर वाई बाय एक्स है सॉरी सो क्लियर कट इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स ठीक है चलो अब v plus X by dx, को इक्वेट करूंगा मैं किससे एक्सडी वी बाई डी क्या बन गया v टू माइनस लॉक वी तो अब की बार प्लस वी को भी इधर लेके आओ एंड एलसीएम लो माइनस वी हो गया तो क्या हो जाएगा टू माइनस लॉक वी विल बी माई एलसीएम और ये हो जाता है वी माइनस वी इंटू टू माइनस टू वी एंड माइनस वी इंटू माइनस लॉक वी प्लस वी लॉक वी एंड वॉट इज वी माइनस टू वी इट इज माइनस वी प्लस वी लॉग वी ठीक है डिवाइडेड बाय टू माइनस लॉग वी ठीक है अच्छा ये माइनस वी प्लस वी लॉग वी जो है इसको भी आप सीधा करके लिखेंगे वी लॉग वी माइनस वी ठीक है तो इधर ले आओ सेटिंग वेरिएबल्स बोथ साइड्स तो ये डिनोमिनेटर में लिख लो इसको वी लॉग वी माइनस वी और उसको लिख लो ऊपर टू माइनस लॉक वी इन टू डी वी और इधर क्या बनेगा मेरे पास डीएक्स बाय एक्स कर दो इंटीग्रल 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 चलो अब इस दर जो इंटीग्रल है वो कैसे होगा वो सोचना है आपको तो देखो डू वन थिंग अगर मैं इसमें से बी को कॉमन ले लू ठीक है तो ये क्या बनता है लॉग बी माइनस वन अब देखो ध्यान से लॉग बी माइनस वन ओके अब मैं अगर लॉग बी माइनस वन को टी ले लू तो हो गया क्या काम ठीक है अगर मैं लॉगवी माइनस वन को क्या ले लू टी ठीक है तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये बन जाता है डी वी बाय वी इक्वल टू डी टी तो dv बाई वी तो बनाओ टी डी टी ठीक है अब रही ऊपर वाले की बात तो अगर लॉगवी माइनस वन टी है तो यहां से log v की वैल्यू क्या निकली यहां से log v की वैल्यू क्या निकली इन टर्म्स ऑफ t 1 t इस log v की वैल्यू 1 t भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम सो ये इंटीग्रल टोटल कैसे बन गया बताओ इंटीग्रल 2 माइनस और log v की वैल्यू क्या है 1 t और नीचे dv v वी वी तो dt बन गया और इसको log v 1 को आपने लिया ही है। तो t लिया ये तो होल थिंग इज कनवर्टेड इनटू t इंटीग्रल dx और थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दो उसको माइनस लगा हुआ है तो 2 1 इज़ One, इसी स्टेप में कर देता हूं और माइनस टी वन माइनस टी हो जाएगा ये ओके okay. अब एक ही स्टेप में हो जाएगा इंटीग्रल वन बाई टी का इंटीग्रल क्या होगा लॉग मॉडुलस टी और टी बाई टी यानी वन वन का इंटीग्रल क्या होगा टी और इधर क्या हो जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स नाउ द क्वेश्चन वेदर टू टेक सी और लॉक सी ये बड़ा सवाल है आपके पास सी टी क्या था हमारे पास देखो टी क्या था ये देखो टी भी तो लॉग में था तो टी को सब्सिट करेंगे तो एक और लॉग निकल के आएगा सो so, अब इसका मतलब लॉग सी ही लेना पड़ेगा ओके okay, अब डू वन थिंग पहले आप टी को वी और वी को बायस बना दो तसल्ली से फिर हटाना लॉग वॉक ठीक है चलो तो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इट इज लॉक टी सो वट वॉज टी टी क्या था ओके okay. टी था मेरा लॉग तो देखो ये लॉग तो ये वाला लॉग है जो पीछे लगा हुआ है डिलीट हो गया वो तो। लिखा हुआ है आपके पास याद है बताओ फिर क्या था फिर से बोलो लॉग मॉडुलस टी माइनस टी एंड इधर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग मॉडुलस यही था ना ओके okay. अब टी को सब्सटीट्यूट करने वाला हूं मैं तो लॉक टी तो क्या था मतलब ये वाला लॉक तो एज इट इज लिख दिया मैंने और टी क्या था लॉक मॉडुलस वी माइनस वन और ये पूरा लॉक के अंदर है राइट फिर टी क्या था अगेन फिर से लिखो लॉग मॉडुलस वी माइनस वन था लेकिन ये माइनस टी है तो प्लस वन हो जाएगा और वन को भी लिख सकता हूं मैं लॉग ई यो ठीक है अब सारी टर्म्स लॉग में log स एक्स प्लस लॉग मॉड्युल अब एक काम करो एक बार के लिए सारे लॉग हटाने के लिए सारे लॉग को मर्ज करो तो इधर जो एल एच एस में लॉग है बड़ा सा लगा दो ये पॉजिटिव है तो लॉग मॉड्युलस v माइनस वन तो रहेगा न्यूमरेटर में राइट right? इसको चाहो तो ब्रैकेट लगा दो उसके बाद ये माइनस है तो डिवाइडेड बाय v रहेगा डिनोमिनेटर में फिर ये प्लस है तो e रहेगा न्यूमरेटर में फिर ये एक्स इधर माइनस में आएगा तो ये इन एक्स आएगा डिनोमिनेटर राइट हो गया इधर का काम सारा और उधर जो लॉक सी है एज इट इज एक बार तो टेकिंग एंटी लॉग ले लो ताकि एक लॉक से एक लॉक तो खत्म हो ओके अब नेक्स्ट स्टेप में आप एक काम करो वी को वाई बाई एक्स बनाओ सो लॉग वी था तो ये हो जाएगा लॉग वाई बाई हो जाएगा माइनस ठीक है अभी देखते हैं नीचे v क्या था y एक्स इंटू एक्स और ये पूरी चीज कैसे मल्टीप्लाई हो रही है ई e से और इक्वल टू इधर क्या बन रहा है सी ये एक्स से तो एक्स को हटाओ हटा दिया अब अब एक काम करो ई e को उधर भेजो तो ई e को जैसे ही मैंने उधर भेजा तो ये क्या बन गया सी बाय ई और सी बाय ई को अगेन क्या लिख सकते हैं ए या सी वन ठीक है क्योंकि सी भी कांस्टेंट है और ई e भी कांस्टेंट है वेयर अगर मैं ई e नहीं लूंगा तो सबका लॉग कैसे हटेगा अगर मैं इधर लॉग इधर इसकी जगह वन ले लूंगा तो एक ये फंस गया ना सबका लॉग हटाने के लिए सब लॉग में चाहिए ना ये सबका लॉग हटाने के लिए उसको ये लिया अभी मैंने इसको तो नहीं लिया ये इस वाले वन को तो नहीं लिया मैंने लॉग ही क्यों क्योंकि लेने के बाद वैसे भी सब नहीं हटने तो नहीं हटने तो वन ही रह, बैठा रहे तू ठीक है ओके वेयर इक्वल टू सी बाय डन ये आप मेंशन कर मैं अब नीचे वाई है बस तो नीचे वाई है तो वाई को भी अगर मैं उधर भेजू तो वाई इंटू ए आंसर आप देखो मैच करो क्या सी वाई आई एस में लिख दो वाई इंटू सी वाई इंटू ए लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ए है तो ए वाई इक्वल टू लॉक वाई बाय एक्स माइनस वन तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वन ऑफ द तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है हाउ टू एडजस्ट सॉल्यूशन इंटीग्रल पार्ट तो एक पार ही स्टेप में हो जाता है उसके बाद हाउ टू तो एडजस्ट द कांस्टेंट हाउ टू तो एलिमिनेट लॉग ये टैक्टिक्स जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके सो दिस इज अगेन द जनरल सोल्यूशन क्योंकि अभी भी एक आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट बचता है ठीक है चले जनरल सोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन टेंथ वन अब टेंथ वन पहला ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन है अभी तक अपन ने एक्स वाई वाई का कोई किया नहीं है तो ये एक्स वाई वाई का टा तो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास राइट ठीक है डन तो इस बार आप dy/dx नहीं बनाएंगे क्या बनाएंगे dx/dy बनाएंगे क्योंकि e की पावर xy y है वो तो बदल नहीं सकती dx/dy तो आपकी बार dy से जो उधर है वो नेगेटिव करके भेजो तो 1 xy y है नेगेटिव करूंगा तो e टू द पावर xy y तो रहेगा ही रहेगा और ये अंदर जाके फ्लिप हो जाता है x/y 1 और dx से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 e की पावर x बाय राइट ठीक है अब क्लियर कट ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई एक्स बाई वाई दिख रहा है अच्छा जब आप इसको ये सॉल्व करोगे ये प्रूव करोगे कि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करोगे लेमडा इंट्रोड्यूस करोगे सो so, देखो जहां जहां एक्स शॉर्ट में बता देता हूँ जहां जहां एक्स वहां लेमडा रखोगे तो ये लेमडा से लेमडा कट जाएगा ये यह पे भी लैम्डा से लेमडा कट जाएगा और यहाँ पे तीन ही जगह तो है एक्स, तीन जगह से तीन जगह वाई है तो तीन जगह रखेंगे तो कट जाएगा तो अगेन वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो जाएगी और अगर फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई बनता है तो भी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यहाँ से भी प्रूव हो जाती है सेकंड अल्टरनेट तरीका था ठीक है कुल मिलाकर हो जाएगा काम चलो तो अब स्टार्ट करें इसको आगे का काम अब इसकेस में एक्स बाई वाई को भी लूंगा ना लेट वी बी एक्स बाय वाई v तो को x बाई वाई लेते ही ये यह क्या बनेगा e की पावर एक्स बाय वाई की वैल्यू v ली ना तो की पावर वी एक्स बाई वाई v माइनस वन डिवाइडेड बाई वॉट वन प्लस v इसको तो ले लो आप इक्वेशन नंबर वन अब थोड़ा सा क्या माइंड फ्रेम चेंज करना पड़ेगा उल्टा चल रहा है सिस्टम ठीक है

लेकिन अब क्या बनेगा वाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट वाई क्या होता है एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या होता है डी एक्स वाई डी वाई फिर आओ वी एज इट इज नहीं वी का v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट पहले y ले लो ना y का डेरिवेटिव

तो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर टू एंड फ्रॉम इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन टी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू जैसे हम करते थे वो सारा काम करना है ठीक है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू नो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट बोलो यहां से क्या बना नहीं यहां से पहले ये लूंगा वी प्लस वाई डी बी बाय इधर से क्या बोलो इी टू पावर वी को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो इन e right? से मल्टीप्लाई तो e मैंने ताकि ये v जाएगा, तो, के बाद तो आपको करना ही पड़ेगा माइनस तो इसको जैसे मैंने माइनस वी किया तो एलसीएम लो माइनस ले लो एलसीएम सो इट इज लाइक वन प्लस वी तो नीचे ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी रहेंगी इसी स्टेप में ले लेता हूं मैं एल स्पेस नहीं है ना तो माइनस वी करना है मुझे तो इसको बढ़ा दो उसका विस्तार माइनस वी इंटू वन माइनस वी और माइनस वी इंटू वी माइनस का वी स्क्वायर डन ये हो गया जितना होना था अब यहां से कुछ कटा नहीं कुछ भी नहीं गया कुछ तो जाना चाहिए माइनस वी स्क्वायर कुछ भी नहीं गया तो इंटीग्रल काफी बड़ा बनेगा फिर एक बार फिर से चेक करो कुछ गलती तो नहीं है ये वी लिख दिया ना ये क्या बनेगा ई की पावर वी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलती करिए एक्स बाय वाई को रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा e की पावर v राइट right? e की पावर v तो फिर यहाँ पर भी ये क्या बनेगा v की जगह e की पावर v और फिर e की पावर v से v मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर नहीं बनेगा क्या बनेगा v इन e की पावर v अब तो कट जाएगा तो v की पावर v इंटू e की पावर v और v इंटू e की पावर v कुछ तो कट गया ठीक है अब से माइनस साइन को उधर ही छोड़ के आएंगे तो इसको नीचे ले आओ तो नीचे आने के बाद ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर वी प्लस वी और ये वन प्लस टू द पावर आ जाएगा ऊपर में डी वी एज इट इज माइनस साइन उधर छोड़ के आया ही था मैं माइनस साइन उधर छोड़ के आऊंगा तो क्या बचेगा डी वाई बाय वाय कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स राइट ई टू द पावर वी प्लस वी का डेरिवेटिव ऊपर है ई टू पावर वी का डेरिवेटिव ई टू पावर वी और वी का वन तो ये इसका इंटीग्रल हो जाता है लॉग मॉडुलस e पावर वी प्लस वी और इधर हो जाता है माइनस लॉग मॉडुलस एक्स और सब कुछ लॉग में है तो फिर प्लस लॉग मॉडुलस सी राइट इधर आ जाओ इस पोर्शन तो में बताओ लॉग को इधर लेके आओ तो लॉग ई e की पावर वी प्लस वी और माइनस है वो तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीप्लाइड बाय एक्स राइट मॉडुलस क्लोज करो और इधर क्या है मेरे पास लॉग मॉडुलस से टेकिंग एंटी लॉग लॉक से लॉक गेट्स कैंसल्ड आउट और अब रिप्लेस करो वी को तो ई e की पावर फ्लो फ्लो में वाई बाय एक्स देना एक्स बाय वाई आपकी बात और ये एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू सी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ फायदा होगा क्या नहीं कटेगा तो नहीं ऐसा तो नहीं कि कट जाएगा तो फिर इसी फॉर्म में कहीं ना कहीं आंसर है चेक करो एलसीएम ले लो ओके वाई ई वाई सी अच्छा वाई इंटू दिस ओके सो टेक एलसीएम तो इसी स्टेप में ले लो फिर एलसीएम तो वाई को अगर मैं ओवरऑल नीचे लगा दूं तो ये वाई इधर आ जाएगा और ये ओवरऑल आ जाएगा वाई अब वाई को उधर भेज दिया बताओ नहीं। की पावर ये एकस वाई नहीं है हमारे उनके आंसर में फिर गलती है फिर तो कुछ हाँ बताओ क्या गलती है फ्लो फ्लो की गलती है बस इतना संभल संभल के चले फिर भी गलती हो गई आदत है ना उधर इसको माइनस लॉग मॉडुलस एक्स लिखने की अब की बार तो वाई है आदत है तो इसलिए हमको क्या करना है कुछ क्वेश्चंस इसके भी संभल करना है इतनी संबल -संबल के हम कर रहे हैं पे तो भी गलती हो रही है ना वो एक से लेकर छ के छे उल्टे ट्राई करो एक बार सीधे ट्राई करो छे के छे उल्टे ट्राई करो क्यों नहीं होंगे हाँ क्यों नहीं होगा डीएक्स की जगह डीएक्स बाई डी बनाओ और उल्टे तरीके से सॉल्व करो ठीक है छ के छ और आंसर मैच करो मैच होते हैं कि नहीं होते हैं? और गलती अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछो तो यही तरीका है आजमाना पड़ेगा आपको देर इज नो अदर ऑप्शन और लग भी रहा था कि ये क्यों नहीं कट रहा कट तो जाता है इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि एक्स वाई की जगह एक्स लिख के आए तो जैसे मैं इसको वाई लिखूंगा तो फिर ये भी वाई है और ये वाई फिर, फिर फाइनली कट जाएगा हाँ अंदर एक्स था बाहर वाई था राइट ये वाई था ना यहाँ पे वाई वाई

पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के जो ये डेटा है इस डेटा से पहले का काम बिल्कुल रत्ती पर भी चेंज नहीं करना मतलब इतू सा भी चेंज नहीं करना एग्जैक्ट वही करना है आप सी को सी वन बना रहे थे वो भी करना है सी को ए बना रहे थे वो भी करना है लॉक्सी ले रहे थे सब वही करना है एक बार हो जाए ना आप यू आर डन हाँ ठीक है साहब जनरल सोल्यूशन लिखता उसके बाद ही आप नेक्स्ट डेटा को छेड़ोगे ओके स्टार्ट करें सो उसमें आप डी बाई आइसोलेट करो सबसे पहले अच्छा इसके स्टेप्स जो हैं वो आप पिछली एक्सरसाइज से कॉपी पेस्ट करते हुए चलो ओके नो चेंज एट ऑल डी वाई बाय डी एक्स की टर्म को नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा इन टू अपॉन अपॉन ठीक है डीवाई से डीवाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन तो बनाओ तो एक्स से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो वाई बाय एक्स One. One y x को y x होगा इधर वी से सब्सिट्यूट करो तो वी माइनस वन डिवाइडेड बाई वी प्लस वन अच्छा एक वी रह गया वहां पे तो टेक एलसीएम माइनस वी तो ये हो जाता है वी प्लस वन नीचे v v v v v. v minus, one, minus, v into v minus v square and then उट माइनस एन को उधर छोड़ो इट इज लाइक माइनस ठीक है. अब करो सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो देखो अभी तो ये इम्प्रॉपर है बट इधर आके ये बन जाना है प्रॉपर वन प्लस वी स्क्वायर नीचे और वन प्लस वी ऊपर इन टू डी वी माइनस एन उधर बचा हुआ है तो माइनस डी एक्स बाय चलो करो इंटीग्रेट इसको अलग अलग कर दो तो, बहुत सरल है वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा टेन इनवर्स वही फिर बीच में क्या साइन है प्लस अब ये जो है वी डिवाइडेड बाय वन प्लस वी स्क्वायर तो वन प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू वी तो टू चाहिए तो टू चाहिए तो वन बाय टू लगा दो और फिर लॉक मॉडुलस वन प्लस स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और इधर आओ माइनस लॉक मॉडुलस एक्स अब क्या करें सी लगाए या लॉक मॉड्यूल सी लगाए सी ही लगेगा क्यों क्योंकि तो तो okay. so, right? इन दोनों लॉक को तो सॉल्व कर सकते हैं तो इन दोनों लॉक को तो सॉल्व करो तो इसको इधर बुला लो एक बार के लिए तो वन बाय क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा अंदर जाके रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो बड़ा लॉग ब्रैकेट लगा हाँ, तो मत लगाओ फिर रूट लगाओ क्योंकि वन बाई टू है ठीक है एंड इज इक्वल टू सी अब इसको भी और सॉल्व करो यहां तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स कॉपी पेस्ट

और ये एक्स स्क्वायर का रूट एक्स और एक्स एक्स कट गया ठीक है तो कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू सी अब सब कुछ y X में सब कुछ वाई बा एक्स में डू वन थिंग इसको रूट को वापस बाहर निकाल दो वो भी निकाल के ही देगा क्योंकि रूट को अंदर में केवल लॉग को सॉल्व करने के लिए गया था अभी हो गया नहीं सॉल्व सो वट आई विल राइट वन बाई टू लॉक तो ये हो गया मेरा फाइनल फाइनल जनरल सोल्यूशन क्योंकि फाइनल जनरल सोल्यूशन आगे का काम आप सब जानते हो अब क्या करूंगा मैं दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ई और एक्स दोनों की इस द रिक्वायर्ड नहीं रिक्वायर्ड नहीं है इस द जनरल सोल्यूशन रिक्वायर्ड तो पर्टिकुलर है इस द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डी एक बार लिख लो एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं टेन इनवर्स फाइव बाई एक्स प्लस हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ठीक है नेक्स्ट पेज पे चले Now it is given that. Now it is given that y equal to one when x equal to one. So putting exercise steps, putting what? X, comma y equal to nice no, one, comma one half okay. in the general solution of the given D. In the general solution of the

प्लस इट इज लाइक हाफ लॉक हाफ लॉक टू इक्वल टू सी सो दैट इज इट सी की वैल्यू यही है सो पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन द जनरल सोल्यूशन टू लॉग टू बाय टू लॉग टू टू तो टेन इनवर्स है इसका तो फिर टू से कहीं मल्टीप्लाई होना है जो हम मिस कर रहे हैं इसका टू टेन इन्वर्स है। तो है क्या किया है exactly. अगर मैं इस जनरल सॉल्यूशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो इन्होंने क्या किया है देखो ये क्या हो जाएगा टू टेन इनवर्स बोलो टू टेन इनवर्स टू क्वेलियम लो वाई बाय x अब ये टू खत्म तो क्या बचा ओनली log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उधर जाके क्या बना टू सी जिसको क्या ले सकता हूं मैं a where a इक्वल टू टू सी तो अब आपको a को सब्सटीट्यूट करना है c को नहीं करना है राइट अब नेक्स्ट पेज पे आओ सो so, टू लगा दू मैं यहाँ पे और ये वन बाय टू ना लिखूं लेकिन उधर टू सी नहीं लिखूंगा उधर ए लिखूंगा क्योंकि चेंज कर दिया है मैंने राइट right? तो ये टू इंटू पाई बाय फोर बोलो टू इंटू बाय फोर क्या हो जाता है पाई बाय टू ठीक है हाफ लगाने की जरूरत नहीं है ओनली लॉक टू इक्वल टू ए अभी ठीक है मैच हो गया तो नाउ पुटिंग इक्वल टू ए इक्वल टू पाई बाय टू प्लस लॉक टू इन द जनरल सॉल्यूशन देखो अब ये जनरल सोल्यूशन टू गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस तो ये हैं कि अगर आप वो टू क्वेलसी में ना लोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे बट एक परसेंट चांसेस ये भी है कि जो चेक करने वाला बैठा है वो तो साफ सोल्यूशन की किताब खोल के बैठा है और स्टेप टू स्टेप चेक कर रहा है अब उतनी बुरी किस्मत है कि उसने स्टेप टू स्टेप चेक किया तो वो तो उसको गलत ही मानेगा ठीक है माने क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के आंसर शीट चेक करने वाले भी इंसान ये मशीन तो है नहीं अब इंसान है तो इंसान में भावनाएं भी होती है भावनाएं है होती हैं तो उस टाइम क्या भावना जागृत हुई चेक करते टाइम राइट right? बाकी चांसेस है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि उसको से मल्टीप्लाई करें तो हर गेम में लाइफ के हर एक गेम में कहीं ना कहीं किस्मत काम करती है तो ये भी थोड़ा सा किस्मत का गेम इधर भी रहेगा ही रहेगा इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन वी गेट सो बोलो और फाइनल आंसर बोलो सो so क्या बनेगा टू टेन इनवर्स तो एक ही जगह इसी फॉर्म में है या आगे भी फिर कुछ चेंजेस है इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन अब ये रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड मतलब यही पूछा गया था मुझसे ऑफ द गीवन डी ऑफ द गीवन डी टाइम बताऊ हो गया क्या कर दू उसको डिलीट हम्म तो तो हाँ तो उनका कुछ आता पता ही नहीं रहा टिल द लास्ट एग्जाम छह सोलह और ये तो वाई क्वेश्चन देखो फिर डी वाई बायस डी वाई बाई डी में चेंज कर दूं दोनों ऑप्शन है तो वी वीविली वाई बाई डी एक्स और वही चेक आ, सब कुछ करना है आपको जो इसमें किया डी वाई बाई डी एक्स से करो चलो डी वाई बाय डी एक्स डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई से कौन हो रहा है एक्स स्क्वायर तो स्ट्रेट अवे इसको तो x square से डिवाइड करा दो दोनों साइड तो मेरे हिसाब से काम हो ही जाना है माइनस बाहर का होल स्क्वायर माइनस बाहर याद रखना ठीक है क्लियर कट इट इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स करो इक्वेट एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी बायस टू सब्सिट्यूट इट विथ वी सो माइनस ऑफ वी प्लस वी का स्क्वायर ठीक है वी को उधर भी बुला लो तो माइनस वी तो माइ नहीं कटा नहीं माइनस वी माइनस वी माइनस टू वी माइनस 2V again, minus bar चलो सेपरेटिंग सेपरेटिंग से माइनस को तो उधर छोड़ के आते हैं ये इधर आएगा तो इसको अरेंज कर दे प्रॉपर तरीके से तो वी स्क्वायर प्लस टू वी नीचे आ गया राइट और इस पे पूरे पे तो पूरे पे छोड़ दिया ना ये आया यहाँ पे माइनस तो उधर ही छोड़ के आते हैं ना हमेशा सो माइनस डीएक्स बाई एक्स माइनस ये लगा दिया ना यहाँ पे मैंने तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हुए जिसमें ही बनाया integral, integral. फिर क्या हो उससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम ये देखते ही पहचानने माना चाहिए एक्सरसाइज नंबर फोर्थ ऑफ इंटीग्रल्स वी का हाफ वन बाय टू का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हाँ और क्या ऑप्शन है बताओ और कोई ऑप्शन क्या है ज्यादा ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो वी को कॉमन लेंगे ठीक है हाँ तो बताओ वी का, टू, टू का हाफ वन वन का स्क्वायर वन तो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन अब यहां से लेके यहां तक ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर हम्म डी वी डिवाइडेड बाय वी प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स चलो बताओ ये किस टाइप का इंटीग्रल है लॉग वाला बनेगा शुरू के तीन में से तो लॉग में भी फिर ये ए स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर बनेगा अच्छा वन बाय टू है की जगह तो ही है ठीक है लॉग मॉडुलस तो ये नेगेटिव आ रहा है स्क्वायर के पीछे तो, X, सब कुछ में जा सकता है, तो प्लस लॉक सी कैसे जाएगा ये वन बाय टू को उधर अंदर भेज ही देंगे हम अगले नेक्स्ट स्टेप में वन बाय टू एक बार तो बाहर ही लिख दो अंदर सॉल्व करो तो ये हो जाता है वी अपॉन वी प्लस टू वी अपॉन वी प्लस टू इक्वल टू माइनस लॉक मॉडुलस एक्स प्लस लॉक मॉडुलस सी चलो जी तो लॉक से लॉक एक बार हटाने की कोशिश करो तो वन बाय टू को अंदर भेजो तो इट इज लाइक लॉक मॉडुलस ये रूट बन जाएगा रूट ऑफ बी प्लस बी प्लस टू राइट ये इन टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ठीक है मॉडुलस क्लोज लॉक मॉडुलस सी तो एक बार तो ये लॉक से लॉक टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड और ये कैंसिल आउट हो गया ठीक है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो क्या बचा एक बार नेक्स्ट पेज पे रूट ऑफ वी प्लस टू मल्टीप्लाइड अभी और है, c। यहां से तो ऊपर तो, तो y बचेगा और यहाँ क्या बचेगा y प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स

तो फाइनल जनरल सोल्यूशन क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एर वेयर एक्वल टू सी स्क्वायर लिखना ठीक है तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन बन गया कौन सा वाला दिस पार्ट ये मेरा जनरल सोल्यूशन बन गया इसमें पुटअप कर दू मैं द गिवन वैल्यूज तो आर द गिवन वैल्यूज एक्स कॉमा वाई क्या है अगेन अगेन वन कोमा वन है पिछली बार भी यही था क्या वन तो वन टू वन तो स्ट्रेट तो, तो, क्या बनी यहाँ से अगेन पुटअप करो यहाँ पे टू गेट यंसर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू वन ऑन थ्री थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स चेक करो आंसर hmm? फॉर्म में थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइन चले नेक्स्ट पे छे तेईस ठीक है अब इसमें y by x साफ़ साफ़ दिखा हुआ है तो y by x को ही भी मानना पड़ेगा ठीक है तो d y by dx की वैल्यू बताओ d y by dx की वैल्यू बताओ तो dy से x उधर नेगेटिव हो जाएगा माइनस x नहीं dx वाला टर्म एगेट हो तो इसको उल्टा कर दूं इसको उल्टा कर दूंगा तो इट इज लाइक y माइनस x साइन्स क्वायर y by x डिवाइडेड बाय by... एक्स बस दैट्स इट अब इसको एक्स से डिवाइड करा दूं बोथ साइड्स तो वाई बाई एक्स बोलो माइनस एक्स एक्स कट गया तो साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स इस वाले एक्स को भी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है फट, ये नहीं कराना ठीक है सो क्लियर कट है फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बनाओ फटाफट ये इट इज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स तो वाई बाई एक्स तो बन गया वी माइनस साइन स्क्वायर वी इधर v plus x dv by dx. और जब v से v करता है तब काफी आसान सा इंटीग्रल बनता है है ना v से v गया तो कर दो इधर उधर माइनस को छोड़ के आना तो साइन स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा डीवी डिवाइडेड बनता है माइनस डीएक्स डिवाइडेड बाय x इसका इंटीग्रल करना है आपको ठीक है तो कॉसेक्स स्क्वायर वी बन गया ये कॉस एक्स स्क्वायर वी इंटू डी वी का इंटीग्रल और उधर क्या बना माइनस डी एक्स बायस बोलो चलो कॉस एक्स स्क्वायर वी का इंटीग्रल क्या होता है माइनस माइनस लॉग मॉडुलस एक्स और प्लस लॉग सी नहीं लगाएंगे सी ही लगाएंगे क्योंकि एक ही तो लॉग है हमारे पास ठीक है तो इसको वी को सब्सटीट्यूट करो जनरल सॉल्यूशन तो रेडी है बिल्कुल माइनस माइनस कॉट वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी डेट से आगे कुछ कर भी नहीं सकते आप ठीक है तो डू वन थिंग अब डालो पुट द वैल्यूस अब ये माइनस को सही करें वही करें वो बाद में करेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन में कर देंगे एक ही बात है क्योंकि फाइनल आंसर तो वैसे भी नहीं है चलो जी तो वाई क्या वैल्यू है इधर आ जाओ एक्सकोमा वाई इक्वल टू क्या है वन कॉमा पाए वन कोमा बाय फोर ठीक है तो माइनस कॉट वाई एक्स था ना तो माइनस लॉग वन जो कि जीरो होता है सी तो ये तो लॉग वन जीरो होता है माइनस जीरो जीरो तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉट पाव बाय फोर माइनस वन तो सी की वैल्यू माइनस वन को जब मैं इधर पुटअप करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस वन अब सबका माइनस 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 कैंसिल आउट, ठीक है? हाँ, तो तो सबका निकाल दिया मैंने ये प्लस वन हो गया तो वन को क्या लिख सकता हूँ लॉग अब क्या हो जाएगा ये लॉग इंटू लॉग ए प्लस लॉग भी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ई एक्स या एक्सपे में लिख लो और इधर वही कॉट बाई एक्स अभी मैच हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है समझ आया अब कह रहे थे ना आप होमवर्क तो ये ले लो भाई होमवर्क होमवर्क ओके सो क्वेश्चन के भी मैं सोल्यूशन इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी को भी मत बताना पहले होमवर्क ही ट्राई करना जैसा कि लास्ट फाइनल डिस्कस हुआ और अगर नहीं आता है तो फिर आप इसके सॉल्यूशन को रेफर करो बट मेरे साथ अब एक प्रॉब्लम है मेरे पास आंसर की नहीं है सो विदाउट आंसर की जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वही मैं निकाल के आपको इस सोल्यूशन में देके जा रहा हूँ आप एक बार चेक कर लेना बाद में आके कंसल्ट भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट चलो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको लगे आंसर मिस मैच है या कुछ अपने होमवर्क में लग की और यहाँ पे सोल्यूशन कुछ लगे तो वी कैन डिस्कस इट ऑल सो माइनस फाइव एक्स को उधर भेजो डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट uh, करना है तो माइनस फाइव एक्स उधर जाके वाई बाई एक्स

इंटीग्रल इंटीग्रल टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी बाय कॉसेस्टिक बी को भी सीधा करके लिख दो साइन वी डी बी साइन वी डी बी और इधर इंटीग्रल डीएक्स बाय एक्स सो साइन वी का इंटीग्रल माइनस कॉस्टिक और इधर लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ठीक है तो वी को चेंज कर दो implies माइनस कॉस वाई बाय एक्स इक्वल टू लॉक मॉडुलस एक्स प्लस सी दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस जनरल सॉल्यूशन में आप कुटअप करो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वन कॉमा जीरो पुट द वैल्यूज वी गेट वी गेट पुट द वैल्यूज वी गेट माइनस कॉस वाई बाई एक्स वाई बायस यानी जीरो बाई वन जीरो बाय वन वाई की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू वन है तो सही है ज़ीरो बाय वन ही करेंगे ठीक है ओके कॉस जीरो तो वन होता है ना ठीक है फिर तो लॉक मॉडुलस एक्स एक्स की जगह वन प्लस सी तो ये तो ज़ीरो हो गया देखो ये लॉग वन तो ज़ीरो हो गया लेकिन वहाँ पे ज़ीरो बाय वन जीरो हुआ कॉस जीरो ज़ीरो नहीं हुआ कॉस जीरो, 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 जीरो वन हुआ तो सी की वैल्यू माइनस वन है इसको अगेन पुटअप कर दो तो वहां पे

और वन माइनस लॉग एक्स भी लिख सकता हूँ या फिर वन को अगेन वही लॉग ई भी लिख सकता हूँ लॉग ई माइनस लॉग एक्स और लॉग ई माइनस लॉग एक्स को फिर मैं लॉग ई बाई एक्स भी लिख सकता हूँ ठीक है और इधर तो वही कॉस वाई बाई एक्स तो या तो इस फॉर्म में होना चाहिए जिसके चांसेस मुझे पता नहीं क्यों कम लग रहे हैं आप आंसर से मैच करिए मेरे हिसाब से ये सीधी सीधी फॉर्म यही आंसर होगी ठीक है एक बार चेक कर लीजिए आंसर इस और अगर आपको डाउट uh, हो तो प्लीज पूछ लीजिए फिफ्टींथ इन द लास्ट वन इन सीरीज डी dx डी सोलेट करना शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे दिस इज दीवन डी डी वाई बायस इज इक्वल टू डी एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है अच्छा देखो डी वाई बाय डी एक्स ये वाली टर्म पहले इधर लेके जाऊंगा मैं ना ये वाली टर्म जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये टू एक्स इज यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में और उधर ये एज इट इज बच जाएंगे 2XY और अब टू एक्स स्क्वायर को इधर आके डिवाइड करवा दो को डिवाइड दो तो ऐसा करने से टू से टू गया एक्स से एक्स गया एक तो वाई बाई एक्स बचा पहली टर्म प्लस ये वन बाय टू बचा और वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर क्लियर कट है फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स तो इस बार वाले पर्टिकुलर सोल्यूशन के क्वेश्चन वैसे इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे इंटीग्रल पोर्शन तो बहुत ही सरल निकला है ठीक है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सरसाइज पर्टिकुलर सोल्यूशन क्वेश्चन प्लस ये बन जाता है हाफ वी स्क्वायर और इधर वही वीक्ट कैसे करूंगा वी प्लस एक्स डी वी बायक्स आउट। वन बाई टू को उधर छोड़ो वी स्क्वायर को उधर लाओ तो डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और वन बाय टू डी डिड बाई एक्स इंटीग्रेटिंग डी वी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाता है माइनस वन बाई वी और ये हो जाता है की वैल्यू डाल दो तो एक बार के लिए तो वी की वैल्यू वाई बाय एक्स डालूंगा तो ऊपर आके हो जाएगी x बाई वाई तो माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई टू हाफ लॉक मॉडुलस x हाफ लॉक मॉडुलस x प्लस सी सो दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन अब इसमें एक बार x एंड पुट अप कर देते हैं देखते हैं क्या फॉर्म बनती है तो हमारे पास है x कॉमा वाई इक्वल टू वन कामा टू पुटिंग दिस वैल्यूज वी गेट माइनस एक्स बाई वाई यानी वन बाय टू इक्वल टू हाफ लॉग मॉड्यूलस एक्स एक्स यानी वन प्लस सी तो लॉग वन जीरो होता है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया तो सी की वैल्यू स्ट्रेट अवे आ जाती है जो भी आर एच एस में रखा हुआ सी इक्वल टू माइनस वन बाय टू आ जाता है अगेन सी की वैल्यू माइनस वन बाय टू पुट बैक इट इन दुट बैक इट इन दिस इक्वेशन सो फाइनल आंसर आ जाता है मेरे पास माइनस एक्स बाई y इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन बाय टू ठीक है इसमें से माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू कॉमन भी लिया जा रहा है लेगा ही लेगा क्योंकि दोनों है अगर हाफ तो बचेगा क्या बचता है लॉग एक्स या लॉग modulus एक्स माइनस वन ठीक है और वन बाय टू को चाहो तो इधर भी ले आओ तो इट इज लाइक इधर लिख देता हूं देखो इसमें एक ही वाई है पूरी इक्वेशन में इसमें एक ही वाई है तो एक ही वाई है ये तो माइनस एक्स बाई तो एक वाई है तो वाई फंक्शन ऑफ एक्स बनाने की कोशिश करो मोस्ट उसमें आंसर होगा चलो एक बार देखते हैं कैसे तो ये माइनस तो टू को तो माइनस टू एक्स बाई वाई टू उधर क्या बचता है लॉक मॉडुलस एक्स माइनस वन ठीक है अब इसका वाई फंक्शन ऑफ एक्स बनाने के लिए रेसिप्रोकल करो तो वाई डिवाइडेड बाय वाई डिवाइडेड बाय माइनस टू एक्स Equal to log modular, इसका भी करो तो ठीक है अब y function of x बनाने के लिए ये वाई की वैल्यू ये माइनस टू एक्स इधर हो जाती है मल्टीप्लाई तो वाई इक्वल टू और माइनस भी नीचे अगर इंट्रोड्यूस करा दें तो नीचे वाले भी फ्लिप हो जाएंगे तो ये हो जाता है वन माइनस लॉक मॉड्युल्स मोस्टरली ये आंसर है जितना मुझे याद है लास्ट ईयर का ठीक है और इस वन को भी चाहो तो लॉग ई लिख सकते हो वो तो आप कर ही सकते हो हमेशा वन की जगह क्या ला, 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 ला सकते हो आप लॉग ई तो लॉग ई माइनस लॉग जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा लॉग लॉग ई बायस लेकिन लॉग ई बायक्स की कोई फॉर्म मुझे याद नहीं कि उन्होंने आंसर मानी थी लॉग ई एक्स जरूर रखता है ई इंटू एक्स जरूर रखिए ई बाय एक्स नहीं रखता तो इसलिए शायद ही वन को लॉग ई e रखा हो तो दिस इज द फाइनल आंसर फिर भी आप मैच कर आंसर प्लीज लेट मी नो चलते हैं सी की उस पर बहुत ही सरल है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है कि होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फॉर्म फॉर्म नहीं है ये फॉर्म है जिसकी फॉर्म डीएक्स बाई डी वाई इक्वल टू

तो इसको वीवाई लेने वाला ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन तो नंबर अच्छा इसमें इक्वेशन आपको पहचाननी है कि ये है या नहीं तो जनरल तरीका तो आप जानते आइसोलेट करो और वहां आइसोलेट करो तो वहां से फंक्शन चाहिए तो यहाँ से अगर डीवाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करूँ तो लेट्स से क्या बनेगा तो डीएक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ये और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो बनेगा थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर। और से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको माइनस भी नहीं करना, है। 4X प्लस 6Y प्लस 5। अब इसको फंक्शन ऑफ के लिए आप ऊपर नीचे डिवाइड कराएंगे तो देखो क्या होगा जब आप X से डिवाइड कराएंगे तो करोगे चलो नीचे आओ, 4X से X कर गया, और 6 Uh, X, ये भी की अगेन का क्या करोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है ये दो चीजें तो हैं हमारे पास कांस्टेंट इसका कुछ दिक्कत नहीं है ये की टर्म है तो ये चार चीजों की तो दिक्कत नहीं है लेकिन फोर बाई एक्स और फाइव बाई एक्स इसका कुछ नहीं कर सकते तो ये फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स ये बिल्कुल वाई बाइ एक्स का फंक्शन नहीं है समझ पा रहे होंगे स का फंक्शन के लिए सारी टर्म्स वाई के फॉर्म में नजर आनी चाहिए जो कि ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है तो इट इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस डिफरेंशियल या फिर दूसरा तरीका वही लेमडा इंट्रोड्यूस करने का है, उसे भी आप चेक करते हैं चेक कर सकते हैं यानी बट मैं कहूंगा अगर एनसीक्यू का क्वेश्चन है तो ना तो ऐसे चेक करो एक से डिवाइड करा के ना वाले तरीके से चेक करो फिर कैसे चेक करो एक, एक तीसरा तरीका और दे रहा हूँ बट वो केवल एमसी क्यूज में ही अलाउड है बाकी अगर सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है चेक करके बताओ तो आपके पास दो तो ही तरीके हैं जिसमें से भी मोस्ट प्रेफरेबल तरीका है लेमडा वाला सेकेंड प्रेफरेबल तरीका बाईबैक्स की टर्म्स बनाने वाला जो कि अभी आपने ट्राई किया दूसरा तरीका सुनो आप एक काम किया करो कि जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे सबकी डिग्री चेक करो अगर सबकी डिग्री सेम है तो वो होमोजिनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है अदरवाइज नॉट चेक करो तो इसकी डिग्री वन इसकी डिग्री वन इसकी डिग्री जीरो इसकी डिग्री वन वन जीरो तो देखो तो तो मिस मैच है ना वन वन जीरो वन वन जीरो तो सारी वन हो या सारी जीरो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है बट होमोजिनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकती ठीक है तो ये गलत इधर देखो एक्स की डिग्री वन और वाई की डिग्री वन तो टोटल डिग्री टू हो गई

और ये टू तो ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं यकीन आ रहा तो बना के देख लो डी वाई बाई डी सोलट तो करो ठीक है तो डी एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय डी वाई से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस तो ऊपर नीचे एक्स क्योंकि डिग्री टू है तो ऊपर नीचे

चेक करके देख लो कि इट इज होमोजेनियस एस्ट्रिप्शनशियल इक्वेशन ऑन उससे भी ये निकलेगी तो अब हमारे पास तीन तरीके हो गए चेक करने के दो तरीके तो सब्जेक्टिव पैटर्न के हैं

अगर नहीं हो तो पूछ लेना और जिसने देख लिया वो सॉल्यूशन से मैच भी कर सकता है ओके एनीवेज। सो विल स्टार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टुमारो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय